नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन को उनके जमान पार्क स्थित घर से अरेस्ट किया। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद लाया गया। इससे पहले इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक खान को लाहौर की कोर्ट लखपत जेल ले जाया गया है। फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा, पीटीआई चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया था। इमरान खान ने गिरफ्तारी के बाद अपना एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें खान ने बताया कि उन्हें गिरफ्तारी की पहले से ही जानकारी थी, इसलिए उन्होंने वीडियो को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। खान ने कहा कि वो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खान ने अपने समर्थकों से कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चुप नहीं बैठें। जो संघर्ष मैं कर रहा हूं, वो मेरे लिए नहीं, ये देश के लिए है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। खान ने कहा कि अगर आप अपने हकों के लिए नहीं खड़े होंगे तो आप गुलामी की जिंदगी जिएंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।